कबीले वालों से तो आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे, जो कि दुनिया के चकाचौंध से दूर जंगलों में रहे। वैसे तो हम इंसान दुनिया से दूर जंगलों में रह रहे ज्यादातर कबीलों के करीब जाकर उनके बारे में जानकारी जुटा लेते हैं, पर दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक कबीले भी मौजूद हैं जिनके करीब जाने से भी लोगों को डर लगता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से कबीले हैं और लोगों को उनसे इतना डर क्यों लगता है। नंबर 10, नॉर्थ सेंटिनल सी ट्राइब। इंडियन ओशन पर मौजूद अंडमान आइलैंड, जिसका कुछ हिस्सा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ सिनालिनीस आदिवासी लोग रहते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक ये आदिवासी लोग किसी भी बार वाले से बातचीत करना पसंद नहीं करते। इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि इनके इलाके में कोई बाहर का इंसान आए, और ये खुद भी अपना इलाका छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते। और माना जाता है कि सेनिलेंसी दुनिया का एक अकेला समूह है जो कि सबसे अलग और अकेले ही रहना पसंद करता है। हालांकि इस आइलैंड की खोज के बाद लगभग 200 सालों से लोग इस आइलैंड पर विजिट कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि लगभग 2000 साल पहले भी इस आइलैंड पर इंसान रहा करते थे, और जीनोम स्टडीज का नतीजा देखकर भी यही साबित होता है कि 30,000 साल पहले से इस आइलैंड पर लोग रहा करते थे। नंबर 9, होली विगमैन। अगर आप कभी भी पापुआ न्यू गुएना घूमने जाएं तो एक बार होली विगमैन ट्राइब द्वारा बनाए गए उनके वर्ल्ड में जरूर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, उनकी ऐसी दुनिया जहाँ जाकर आपको सच में लगेगा कि आप इसी धरती पर किसी और दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि होली विगमैन एक बहुत ही गर्वित जनजाति है। इन लोगों का मानना है कि ये लोग होली नाम के एक व्यक्ति के वंशज है जो कि एक बहुत अच्छे किसान थे, और वे इन लोगों के लिए ढेर सारी उपजाऊ जमीन छोड़कर गए हैं। होली विगमैन जनजाति अपने रंगीन बालों की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। अगर आप इनके इलाके में जाएंगे तो ये दूसरे ट्राइब्स की तरह आपको मारने या आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आएंगे, बल्कि ये तो आपका स्वागत करेंगे। ये सब एक समूह बनाकर नाचते हुए आपका स्वागत करेंगे। वैसे तो इनका कल्चर, इनका रहन सहन बाकी दुनिया वालों से काफी अलग है, पर इनके रंगीन और अनोखे बालों से बनी इनके विग इन्हें बाकी सबसे अलग ही पहचान देती है। इनके बाल इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये अपने बढ़ते हुए बच्चे को स्पेशल डाइट देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि थोड़े से जादू और इस स्पेशल डाइट से बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। इसी कमाल
नंबर दी जाती है। नंबर वन मानी ट्राइब। थाईलैंड में दक्षिणी प्रांत में रहने वाले मानी ट्राइब के ये लोग दूसरों से काफी अलग होते हैं। इनकी भाषा हमसे बहुत अलग होती है क्योंकि इनकी भाषा में अल्फाबेट्स का प्रयोग नहीं होता। इनके समूह में केवल 300 लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर बैंबू से अपना घर और केलों के पत्तों से घर की छत बनाकर कहीं पर भी रहने लग जाते हैं। ये बहुत से अलग अलग जानवरों को मारकर खा जाते हैं। इसके अलावा ये फल और सब्जियां खाने का शौक भी रखते हैं और इसके अलावा ये कपड़े भी बैंबू के पत्तों से बनाकर पहना करते हैं। इनको जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी जानकारी होती है। इतना ही नहीं, इस ट्राइब के लोग आज भी ब्लोगन का इस्तेमाल कर जानवरों का शिकार करते हैं।